So today we are going to discuss about the budgetary expenditure. I made the structure of budget that day. From there, you came to know that budgetary expenditure can be classified into two categories. One, revenue expenditure, and another is capital expenditure. So let's study what is a revenue expenditure. But a revenue expenditure, wo expenditure hai government ka, jiske karke, ना तो गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है. इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज द रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रूटीन में करती है. ठीक है, रूटीन में जैसे आप लोग अपने घर में कुछ खर्चा करते हैं, ग्रोसरी लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, मेड की पेमेंट करते हैं, ठीक है, बच्चों की फीस पे करते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर रूटीन के एक्सपेंडिचर हैं. मुझे बताओ, ऐसा खर्चा करने से क्या आपके घर में कोई एसेट आता है? Does it create any asset for you people? Or does it reduce any liability? आपने मेड को वेजेस पे की 2000 रुपए, आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, फोन रिचार्ज करवाया, पेट्रोल भरवाया, क्या ये खर्चों से क्या आपका कोई एसेट क्रिएट होता है? क्या आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है? नहीं. अब गवर्नमेंट पे आ जाओ, गवर्नमेंट भी अपनी रूटीन में अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करती है. ठीक है, ये एक्सपेंडिचर जिसके करके ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी में रिडक्शन आए, ऐसे एक्सपेंडिचर को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो मैंने आपके डेली लाइफ में आपके घर के बजट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स दी है. Now let us see what kind of expenditure of the government is there which neither creates asset nor reduces liability. So bete, wages and salaries, government apne staff ko jo wages aur salaries deti hai, yani ki government ka wage bill, does it create any asset for the government? Does it reduces any liability of the government? No. So wage bill of the government comprises of revenue expenditure. Similarly, interest payments. Government ne past borrowings li hui hai. Un past borrowings ke upar government ko interest pay karna padta hai. Theek hai? Ye interest na to government ka koi asset create karta hai aur na hi liability. क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं ना कम हो रही इंटरेस्ट पे करने से, एडिशनल आपकी जो पेमेंट आपको करनी पड़ रही है. देन सब्सिडीज, ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट आर सब्सिडीज? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो आप लोग भी जब अपना एलपीजी सिलेंडर लेते हो तो आपके अकाउंट में 20-24 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी डालती है. अब हर हाउस होल्ड को 24 रुपए देती है तो गवर्नमेंट का तो करोड़ों का बिल बन ही जाता है. ठीक है, थ्रू आउट इंडिया वो दे रही है. वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सब्सिडी की फॉर्म में करती है, वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? डज इट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट? डज इट रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? नो. सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज. क्लियर? सिमिलरली, grants given by the central government, हम central government का budget कर रहे हैं, mind it, हमारे syllabus में union budget है, तो हर state government भी अपना budget बनाती है. ठीक है, तो corona में पंजाब ने अपना जब budget बनाया तो देखा health infrastructure के लिए, लोगों के इलाज के ऊपर खर्चने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने central government को approach किया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को
ग्रांट पे कर दी। ग्रांट वर्ड जब आता है ना तो ये ग्रांट वापस नहीं लेती सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट इज नॉट टू बी रीपेड। ग्रांट दे दी मतलब डोनेशन दे दी, वापस नहीं लेनी। तो ये जो ग्रांट इसने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दी, क्या इसके लिए कोई एसेट क्रिएट हुआ? क्या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई? नहीं। तो ये क्या हुई? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्स, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो वो जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, कौन सा खर्चा? एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्स, दिस वुड अगेन कंप्राइज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? सो मैनी मोर एक्सपेंडिचर कैन बी देयर। तो हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे आइडेंटिफिकेशन के। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया, अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर आता है आपने देखना है क्या उससे एसेट क्रिएट हो रहा है या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। दोनों में से अगर एक का आंसर भी यस है तो वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर दोनों का आंसर नो है देन दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। गॉट इट? चले आगे। इधर किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर है जिसको करने से या तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। सो मैं आपके हाउसहोल्ड की ही एग्जांपल देती हूं। आपने कहा कि मैम हम ग्रोसरी लेके आए, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, मेड को पैसे दिए, ये सारा खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का था, इसके करके कोई घर में एसेट क्रिएट नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड आपके बर्थडे पे आपके पेरेंट्स ने आपको एक्टिवा लेके दिया या बाइक लेके दिया, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, सो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो कमिंग टू गवर्नमेंट साइड, ऐसा खर्चा जिसके करके या तो गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी रिड्यूस होती है, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो examples of capital expenditure, expenditure on plant and machinery, government economic activities में engaged है, production activities करती है, तो government की कोई भी company में government ने plant and machinery के ऊपर खर्चा किया, ठीक है, उसके करके क्या हुआ? asset create हुआ कि नहीं हुआ? एसेट क्रिएट हुआ ना, तो ये गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड खरीदा गवर्नमेंट ने, बिल्डिंग खरीदी गवर्नमेंट ने, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट। क्लियर? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदे दूसरी कंपनीज के, गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे, शेयर्स एसेट बने गवर्नमेंट के, तो एसेट क्रिएट हुआ, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट? और एनी अदर? कोई भी ऐसा खर्चा बेटे जिसके करके एसेट कोई क्रिएट हो रहा है, ठीक है? ओके, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन आपके ऊपर था, आपने यूएस से लोन लिया हुआ था, इस साल आपने वो लोन रीपे कर दिया, जब आपने
गवर्नमेंट ने बजट बनाया फर्स्ट फरवरी 2021 को बजट अनाउंस किया निर्मला सीतारमन ने, ठीक है। उसमें उसने देखा, जब बजट बना रही थी, शी सॉ कि हमने यूएस से 10 सालों के लिए लोन लिया था, वो 10 साल ये जून 2021 में पूरे हो जाने हैं, ठीक है। तो वो बजट में एक एंट्री डालेगी 10 करोड़ रुपए रीपेमेंट ऑफ लोन, खर्चा होगा। ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, ये हमें डिसाइड करना है। कहां डालेगी वो, किस हेड में डालेगी? कैपिटल, क्यों? उससे लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, उससे लायबिलिटी रिड्यूस हुई, क्लियर। सो ऑल सच एक्सपेंडिचर, कोई भी गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एयरक्राफ्ट्स, टैंकर्स, ठीक है। हमें लगा कि कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक ही ना कर दे, तो हमें अपने ये रेडी रखने हैं, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, टैंकर्स रेडी रखने हैं, तो हमने ये और खरीद लिए। तो ये एसेट क्रिएट हुए ना, ये कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल, ठीक है, क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? विच नॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट डू नॉट अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, इट अफेक्ट्स एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज रेकरिंग इन नेचर, बार बार होता है। हर महीने आपने बेटे ग्रोसरी का बिल देना है, हर महीने पेट्रोल का बिल देना है, मेड का बिल देना है, लेकिन क्या एक्टिवा हर महीने खरीदना है? ये नॉन रेकरिंग है, ठीक है। डिफेंस परचेजेस बिल्कुल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से डिफेंस परचेजेस? आर्म्स, एम्युनिशन, ये वाले जो यूज हो जाते हैं आप डेली हमारे एयरक्राफ्ट्स की, बेटे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको कौन चलाता है? पायलट, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर लेटर से उनकी रिक्रूटमेंट हो गई एयरफोर्स में, उन्होंने चला के दिखा दिया, उसके बाद क्या वो जब तक जंग नहीं लगती, वॉर नहीं छिड़ता, वो एयरक्राफ्ट नहीं चलाएंगे? उनके रूटीन में ट्रेनिंग होती है उनकी, उस ट्रेनिंग के लिए फ्यूल चार्जेस, वो क्या है? डिफेंस पेमेंट रेवेन्यू नेचर। जो आर्मी है उनको भी ट्रेनिंग होती है डेली, उनको भी शूटिंग करनी पड़ती है डेली ट्रेनिंग में अपनी, उसके लिए जो आर्म्स एंड एम्युनिशन, वो सारे डिफेंस पेमेंट्स, वो रेवेन्यू नेचर के हैं। लेकिन अगर एसेट कोई क्रिएट हो रहा है वो ऑब्वियसली कैपिटल नेचर है, ठीक है। दिस मच इज क्लियर? सो एनीवन हैविंग डाउट टिल दिस? Yes, creation of roads, flyover, that again would come under the category of capital expenditure. I am asking you a few questions. You need to answer them. Identify these receipts into revenue receipts or capital receipts. Number one. Borrowings from rest of the world. Why? Creates liability. Borrowings from rest of the world is a reason, creates liability. Right. Second, receipts from the sale of shares of public sector undertakings. Receipts from the sale of shares of public sector undertaking. Maruti Udyog, public sector undertaking hai. Government ne usko kuch share bech ke 2000 crore rupaye kama liye. Ye government ki receipt.
रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल? कैपिटल. रीजन इट रिड्यूसेस एसेट. इट इज ऑफ कैपिटल नेचर. रीजन रिड्यूसेस एसेट. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. रेवेन्यू. रीजन नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट. देन रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन. सोचो बेटे बाकी भी. रीजन राइट वैभव. इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एसेट. रिकवरी ऑफ लोन बेटे. लोन जो था वो क्या था? अरे लोन दिया हुआ है जो एसेट था. जब वापिस आ गया वो लोन तो एसेट के कॉलम में से निकल गया, यानी रिडक्शन ऑफ एसेट. सो जिसके करके एसेट रिड्यूस होता है वो कौन सी रिसीट होती है? कैपिटल रिसीट. कॉर्पोरेट टैक्स. ऑल टैक्सेस आर रेवेन्यू नेचर. रीजन नॉर रिड्यूसेस एसेट. डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर गवर्नमेंट को डिविडेंड आया. रेवेन्यू. ओके राइट राणा, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. बेटे जब आपने इन्वेस्टमेंट की, खर्चा किया, वो कैपिटल नेचर का था. ये खर्चा करके शेयर्स खरीदे जो आपने, आपको प्रॉफिट का एक पार्ट आया, डिविडेंड आया, तो डिविडेंड से ना तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई ना ही आपका एसेट रिड्यूस. गॉट इट? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिटर्न आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो रिसीट कौन सी नेचर की रिसीट है? रेवेन्यू के कैपिटल. रीजन ना तो गवर्नमेंट का कोई ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हुई. गवर्नमेंट ने वो डिविडेंड वापस करना है किसी को? करना है. गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ? नहीं. तो ये कौन सी नेचर का हुआ? रेवेन्यू नेचर. गॉट इट? चलो नेक्स्ट. इनकम टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. रीजन डज नॉट अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी स्टेटस. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स. लोन दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, रेवेन्यू. सेम रीजन. फाइनेंशियल हेल्प received from foreign countries. बेटे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो रेवेन्यू को आर लिख दें, कैपिटल को सी लिख दें. ठीक है, जल्दी जल्दी आप दे दोगे फिर आंसर. फाइनेंशियल हेल्प received from foreign countries. कैपिटल है एसेट. कैसे कैपिटल है? लाइबिलिटी बनी आपके ऊपर? लाइबिलिटी बनी. एसेट रिड्यूस हुआ? हुआ बेटे. सोचो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हा ना, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिली. WHO ने कहा इंडिया में कोविड केसेस ज्यादा है, ये लो 2 करोड़ रुपए. गवर्नमेंट की रिसीट है, क्लासिफाई करना है रेवेन्यू में या कैपिटल में. इसके करके कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई क्या? इंडियन गवर्नमेंट ने वापस कर दिया? क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ?
तो कौन सी नेचर हुई? ठीक है, लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया, बताइए। ओके, कैपिटल रीजन क्रिएट्स लायबिलिटी, राइट। रिकवरी ऑफ लोन, ध्यान से सुनना, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली की गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ था, वो रिकवर हो गया। एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? रिसीट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली की गवर्नमेंट को उसने लोन दिया था, केजरीवाल ने वापस कर दिया मोदी को। मोदी यूनियन गवर्नमेंट बजट बना रहा है क्या? कैपिटल रिसीट रीजन रिड्यूसेस एसेट। डिपॉजिट्स बाय पब्लिक इन प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैंने एनएससी लिए हुए हैं, प्रोविडेंट फंड में अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, किसके पास गए? गवर्नमेंट के पास गए। ये गवर्नमेंट की रिसीट रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल की? रेवेन्यू। मैंने कल को वापस नहीं लेने, मैं वापस मांगूंगी ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट इज लायबल टू पे बैक टू मी आफ्टर द मैच्योरिटी, सो इट मी इट क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट, राइट सुखमन। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट, सोचना ही बंद कर दिया है ना, दिमाग ज्यादा लग रहा है। लोगों से डेट लिया, वापस करना है, लायबिलिटी क्रिएट हुई, कैपिटल रिसीट। दिस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा तीन रिसीट्स याद ही कर लो, कौन कौन सी? रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, दिस इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल है। कौन सी बेटे? दिस इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट, सो यू आर रिड्यूसिंग योर एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट रिसीट्स, गॉट इट? ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर लिख देना आपने रेवेन्यू के लिए, सी लिख देना कैपिटल के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, रीजन क्रिएट्स एसेट। रीपेमेंट ऑफ लोन, वैभव बेटे इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर्स के ऊपर जो खर्चा हुआ, कंप्यूटर्स हमारे एसेट्स बन गए। ओके, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीजन क्या? लायबिलिटी क्या? तो बोलो ना, सिर्फ लायबिलिटी लिखने से आंसर नहीं मिलना, क्या लिखना है? लीड्स टू रिडक्शन इन लायबिलिटी। अब तो आपने लिखना भी नहीं है, एमसीक्यू नहीं, टिक की करना है। चलो, ग्रांट्स गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट, रीजन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, कैपिटल। रीजन क्रिएशन ऑफ एसेट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेवेन्यू। रीजन does not create liability nor reduces, sorry, nor reduce, does not reduce liability nor creates expenditure, sorry. Expenditure on scholarship, government ने आपको scholarship दी, revenue। Reason, आपको scholarship दी तो government का कोई एसेट क्रिएट हुआ,
लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना थी आपको स्कॉलरशिप देनी, ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, क्रिएशन ऑफ एसेट, लोन ग्रांटेड टू हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटे इधर मैंने ग्रांट्स लिखवाया था ना, जब ग्रांट देते हैं वो वापस नहीं लेते, वो रेवेन्यू नहीं, लेकिन जो लोन देते हैं, लोन के बाद अगर वर्ड ग्रांटेड आ गया तो ये नहीं समझ लेना कि ये ग्रांट है, लोन ग्रांट किया, लोन वर्ड है ना, लोन प्रोमिनेंट है, तो लोन जब हम देते हैं तो हमारा एसेट क्रिएट होता है। हरियाणा गवर्नमेंट को दिया, हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट का क्या हुआ, एसेट क्रिएट हुआ। मैंने आपको बेटे लोन दिया तो मेरी बैलेंस शीट में तो एसेट है ना, आपकी बैलेंस शीट में चाहे लाइबिलिटी हो, हम मैं मेरी बैलेंस शीट की बात करूं, यानी यूनियन गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, गॉट इट। लोन ग्रांटेड टू हरियाणा गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है बेटे इधर, व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट। देन पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेवेन्यू, रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स टू वर्ल्ड बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ लोन्स, हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन दिया था उसका कुछ हिस्सा चुका दिया, कैपिटल। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर सर्व शिक्षा अभियान, ट्रेनिंग के ऊपर हुआ, कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ, कोई लाइबिलिटी नहीं रिड्यूस हुई, रेवेन्यू बिल्कुल। इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, रेवेन्यू, रीजन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, क्रिएशन ऑफ, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेवेन्यू, रीजन, ठीक है। तो दिस मच इज क्लियर बेटे।